मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी और अल हाजी इब्राहिम गुलाम नबी इंडिया के हज कमेटी के सदस्य ने हज के लिए जाने वाले प्रथम जहाज के यात्रियों का स्वागत किया। अल हाजी इब्राहिम गुलाम नबी शेख महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के एक्स चेयरमैन ने आज दिनांक 29 जुलाई 2018 को सुबह 7:30 बजे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहारा से हज के लिए रवाना होने वाले प्रथम जहाज के यात्रियों का स्वागत किया, जिसके प्रमुख अतिथि माननीय मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय विनोद तावड़े, माननीय अशोक सोलार और महाराष्ट्र सरकार एवं लोकसभा के कई सदस्य मौजूद थे। जनाब साद जफर एस अलगारनी KSA के काउंसिल जनरल, वॉल्फ वार्ड के चेयरमैन और MSHC के सदस्य जनाब MM शेख, संसद जनाब हुसैन दालवी, मुंबई के मेयर जनाब विश्वनाथ महादेश्वर, जनाब कृपा शंकर सिन्हा, जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जनाब जीना शेख, HCOI के VP श्री हसमत पारकर ने हज यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें हज की दुआओं से संबंधित दुआ की किताब सौंपी। हज यात्रियों का स्वागत फूलों और जानमाज से किया। इस अवसर पर यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ये एक ऐतिहासिक पल है जब इस साल पहली बार हज यात्री बिना सब्सिडी के संपन्न हो रही है। इस साल 1,75,000 हाजी हिंदुस्तान से पाक मक्का में हज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 साल में हज का कोठा 40,000 बढ़ाया। हज यात्रा पर GST का कोई असर नहीं पड़ा। कम से कम खर्च पर लोग हज कर सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले साल 2019 में 2 अलग-अलग पानी के जहाज़ों से हज यात्रा संभव होगी। इब्राहिम भाईजान सेंट्रल हज कमेटी के सदस्य ने GST को हटाने के अलावा महाराष्ट्र में हज कोठा बढ़ाने की सिफारिश की। मुंबई से कैमरामैन राजेश के साथ सैयद शादमा की रिपोर्ट। आशीष चलन जी, चेयरमैन हज कमेटी साहब, हमारे मित्र श्री हुसैन दलवई साहब, नसीम खान साहब,
कृपा शंकर साहब, जैना साहब, खान साहब और भी जो यहाँ पर हज कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स हैं और यहाँ मौजूद हाजिरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको हज बैतुल्लाह के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और खुदा आपका हज कबूल करे, मुल्क के अमन व अमान, मुल्क की तरक्की, आपके इलाके की तरक्की, आपके घर की तरक्की, खानदान की तरक्की, कौम की तरक्की की दुआओं के साथ आप का हज पूरा हो। देखिए, सबसे पहली बात तो हर साल से इस साल मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट से 3 times हाजी जा रहे हैं, मतलब करीब करीब 15,000 से 16,000 हाजी जा रहे हैं। हर साल 6,000 हाजी जा रहे हैं। वो इसलिए जाते हैं कि सब्सिडी खलास करने के बाद ऑप्शनल रखा गया था, तो लोगों ने मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट चुना। वो इसलिए चुना कि यहाँ से सब्सिडी लगती नहीं है, 0 point पर यहाँ से इंसान जाता। बाकी सब जगह से फेयर एयर फेयर जो है सब्सिडी खलास होने से बहुत बढ़ गया, 40,000 50,000। इसलिए मुख्तारबाद नकवी साहब को मैं दिल्ली जाके एक मेमोरेंडम दे के आया था, इसलिए नसीम खान साहब ने उनको जगाने की कोशिश की, एक मेमोरेंडम दे के आया था कि सब्सिडी खलास हो गई है, अभी GST तो ना लगाए, GST भी खलास कर दिया जाए, GST हमारे पर हाजियों के ऊपर ना लगाया जाए। वो इसलिए ना लगाया जाए कि प्राइवेट टूर वाले को 5% है और हज कमिटी ऑफ इंडिया का जो मिशन चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चलता है, उसके ऊपर 18% लगाई गई। तो हमने मुख्तारबाद नकवी साहब से कहा था जाके दिल्ली में, मेमोरेंडम दिया था कि सब्सिडी को हटा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सब्सिडी हट जाएंगे, लोगों के पैसे शायद गवर्नमेंट को कुछ तरह से जाए और दे देंगे। आपने एक और मांग की थी कि हज कमेटी को एक जहाज दिया जाए जिसको आप लोग चलाएंगे और जो सब्सिडी का मसला है या जो ये भाव बन जाता है हाजियों का, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण बन जाएगी, उसमें काम में लिखा हुआ कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने जो PM साहब है नरेंद्र मोदी जी और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से एक मांग की थी कि 25,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए, हज कमेटी ऑफ इंडिया को, ताकि उससे हम एयरक्राफ्ट खरीदे और 10 महीना लीज पे चलाए उसको और 2 महीना हज मिशन पे चलाए, तो हज हमारा बहुत सस्ता हो जाएगा। अभी 2,50,000 में लोग जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 1.5 लाख में ही हज हमारा होएगा। ये हमने मांग की थी, बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को एक मेमोरेंडम दिया गया था, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को दिया गया था, हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया गया था कि हमने कहा था कि 25,000 करोड़ आप अगर देंगे तो ये एयरक्राफ्ट आपके अंडर में रहेंगे मगर हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हाजी जाने वाले उसके काम आए। तो आज तक तो उसके ऊपर कोई फैसला नहीं, मैंने ये मांग की थी। नहीं देखिए, इस तरीके से जो बयान करते हैं मैं समझता हूँ वो सेकुलर लोग नहीं है, जो सेकुलर लोग होते हैं वो इस तरीके का बयान देते ही नहीं है। मुझे मालूम है राज ठाकरे जी ने दिया है, मेरे ख्याल से उसी के बारे में आप पूछ रहे, थोड़ा खुल के पूछिए ना क्या वादा है। राज ठाकरे जी कोई आसमान से नहीं गिरे ना जमीन से होगी, वो भी किसी माँ ने उसको जन्म दिया है। तो वो इस तरीके के लोग जो बात करते हैं, अभी मंदिर में भी लोग बाहर खड़े रह के पूजा करते हैं, इसका क्या मतलब है हम उनके खिलाफ बोलेंगे? तो सेकुलर जो लोग होते हैं वो कभी खिलाफ नहीं बोलते, जो सेकुलर नहीं होते जो जातिवाद फैलाने का काम करते वो गलत बात करते सिर्फ अपने आप को लोगों के सामने जगाने की। मगर मैं समझता हूँ कि आज की जो राजनीति है देश की जनता अच्छी तरीके से समझ गई पूरी तरीके से कि देश को क्या चाहिए। आज देश में आप देख रहे बेकारी कितनी है, क्या हालत गुजर रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे दलित भाइयों के ऊपर सब, आप मीडिया वाले आपके सामने सारी चीज़ें हैं। मैं तो इतनी गुजारिश करूंगा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका काम होता है जनता को पालना, जनता को सहयोग करना और जनता को न्याय देना, मगर आज तो बहुत ही बुरी हालत। जी खाली मुसलमान ही इनसिक्योरिटी फील नहीं करते, दलित है हमारे, अभी भराड़ा समाज के लोग भी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। देखिए अभी 2 दिन पहले की बात है, जो आरक्षण की मांग की उसके ऊपर डंडे मारे गए, लोगों को अस्पताल में भेजा गया,
तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता जो है वो अच्छी तरीके से समझ गई है कि देश को चलाने वाले लोग कैसे होने चाहिए। जैसे कि मैं समझता हूँ कि पिछले 60 साल में हिंदुस्तान बना, लोग कहते हैं कि आपने किया क्या, किया नहीं तो ये एयरपोर्ट ऐसी बनाए, इम्बार्केशन पॉइंट जो इतने बने ऐसी बनाए, कांग्रेस के राज में बने ये सारी चीज़ें, और कांग्रेस के लोगों ने ये चीज़ों को 60 साल में सभी समाज के लोगों को डेवलप करने का काम किया। नहीं देखिए क्रेडिट मैं तो नहीं समझता हूँ क्रेडिट बीजेपी को दे रहा है, जो 4 साल की जो सरकार है वो पहले सरकार फेल हो चुकी है, आप क्रेडिट देंगे तो मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। मगर मैं तो हर इंसान से मिलता हूँ, हर समाज के लोगों से मिलता हूँ, हर समाज का लोग दुखी है, हर समाज के लोग परेशान है, किसान से लेके नीचे के वर्ग से लेके मजदूर से लेके हर इंसान परेशान है, महिलाएं परेशान है आपके सामने। जी देखिए, जब कानून में लोग देश में जो लोग बैठे हैं शासन के अंदर वो खुद ही कानून चला रहे, खुद ही मार रहे लोग, उनके लोग ही मार रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि जो सरकार में बैठे रहे उनका पहला फर्ज ये बनता है कि उस पर सख्ती किया जाए और कानून बनाया जाए। जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे पे मोदी जी ने जो किया है, नियम लाया है, हलाला और भी ऐसी चीजें, वो ज्यादातर मीडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, जैसे कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है या इस तरह की बातें हो रही है, धर्म का जिस तरह से किया जा रहा है इसके बारे में नहीं देखिए, इसलिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई पार्टी ने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी, मगर ये बीजेपी का एक एजेंडा है, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रही है। मगर कांग्रेस पार्टी सभी समाज को लेकर चलने का काम किया हमेशा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे दलित भाइयों को, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, ये बात पक्की है। और ये हज जो है वो जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान से 175,000 हज जो है 75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान करने जा रहा है, जिसके साथ ही साथ ये बगैर सब्सिडी का हज, और सब्सिडी खत्म होने के बावजूद हमारी कोशिश है कि जो हिंदुस्तानी हज हजी है हज करने जा रहे हैं उन पर किसी तरह का जो है, और आज मुझे खुशी है कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों से लोग जो है वो जो गाइड्स हैं वो जा रही हैं, और उसके साथ ही साथ इसलिए मैं इस तरीके कह रहा हूँ कि इस बार जो है वो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं वो भी बगैर पहले के हज करने के लिए, और लगभग 1500-1600 महिलाएं इस बार अकेले जा रही हैं, और जो यहाँ से जो है वो हज के लिए अरेंजमेंट के लिए लगभग 600 हज मिनिस्टर भेजे गए हैं, उसमें भी 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये कार्यक्रम है और इंशाल्लाह खुशहाल है हमारी, क्योंकि 2019 का जो हज होगा वो हवाई जहाज के साथ साथ पानी के जहाज से भी हो सके, इसके लिए सर कोटा भी बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोटा जो है पिछले 2 सालों में जो है वो लगभग जो है 40,000 से ज़्यादा बढ़ाया, और पहली जो है वो सरकार के साथ बेहतर रिश्ते बहुत अच्छे रिश्ते हैं। घटनाओं में शामिल है वो क्रिमिनल्स हैं, वो अपराधी हैं, वो समाज विरोधी हैं, और ऐसी ताकतों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रोविजन के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग कि समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स को स्पष्ट तौर से केंद्र सरकार ने कहा भी है कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से नरमी नहीं होगी।
नहीं है, देश का सौहार्द, देश का भाईचारा, देश की हमारे लिए प्रायोरिटी। कानून आएगा वायलेंस के लिए जो लगातार घटना हो रही है, जो कानून है वो अभी अपने आप में सफिशियंट है और जरूरत होकर हमारे सांसद सम्मान्य उपेंद्र दलवी साहब, महापौर सम्मान्य विश्राम महाजोशी साहब, मेरे मित्र सम्मान्य विधायक आशीष सलाल साहब, पूर्व मंत्री और हमारे आपके सबके प्रिय हमेशा हाजियों के लिए, हज यात्रियों के लिए, अखिलेश के लिए हमेशा अपनी बात हर जगह भारत सरकार हो दूसरी सरकार हो कहते रहते हैं, भाई नसीम खान साहब, सीओ साहब, उपस्थित सभी हज कमेटी के मेम्बरान, समय वक्त ज़्यादा हुआ है, जैसे सिंह भाई ने कहा, आशीष सलाल साहब ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं नूरे नबी होगा, कहीं नूरे खुदा होगा, तो आप लोगों से मेरी एक ही दुआ है, जब वहाँ जाएँ और वहाँ जाने के बाद हिंदुस्तान की मजबूती के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए आप सब लोग दुआ मांगेंगे और एक दुआ साहब जरूर करना कि मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं होने पाए, ये भी दुआ साथ साथ करना। खुदा हो يسعدني حضور هذه المناسبة الغالية لتوديع ضيوف الرحمن، حيث تمت الإجراءات في التأشير لهم هذه السنة بصورة مثالية نتيجة للتعاون بين القنصلية والحج الكوميتي، حج كوميتي أوف إندر، وإننا نؤكد لكم أن أشقاءكم ينتظرونكم في أرض الحرمين ليرحبوا بكم ويقدموا لكم التسهيلات، وإننا نتمنى لكم التعاون واتباع التعليمات الموجهة من الجهات المعنية تمكن الجميع من أداء هذه الشعيرة العظيمة بأمن وراحة وطمأنينة، وأنا أهنئكم على هذه الفريضة العظيمة، أدعو أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة الموافقين لحجاج بيت الله الحرام أن يبذلوا جهودهم في توعية الحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم ليتبطلوا أحكام الحج والطريقة الصحيحة لأداء هذا المسجد العظيم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وفي الختام أشكركم جميعا على دعوتكم لهذا الحمل الوداعي للحجاج، وأتمنى من الله أن يوفق الحجاج لأداء شعيرتهم وأن يعودوا إلى مكانهم سالمين مأجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سبسڈی ختم ہو، آپ نے سبسڈی ختم کی، مسلمانوں نے اوف نہیں کیا اور ہمیں سرکار کی حج پہ بیت اللہ پہ جانے کے لیے کوئی سبسڈی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار، بھارت کی سرکار، ہر طرح سے ہمیں اپنے دینی فرائض میں کم سے کم کوئی دشواری نہ پیدا ہو، وہ راستہ ہموار کرنے کا کام کرے، اور مجھے پوری امید ہے کہ مختار بھائی ہمارے اور آپ سب کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ضرور ملک کے فائنینس منسٹر سے بات کریں گے، اور حج پہ جانے والوں کی جو جی ایس ٹی لگانے کا کام ہوا ہے، جی ایس ٹی لگ گیا ہے حاجیوں پر، وہ کم سے کم کم کیا جائے تاکہ تھوڑا ان کو راحت مل سکے۔ میں پھر سے آپ سب ہمارے بیچ میں آئے ہوئے حسین دلوائی صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب بھرو علی کیسر صاحب اور جینا صاحب، کرپا شکر جی، ہمارے عارف نسیم خان صاحب، شیرا صاحب، ہمارے مانڈو صاحب، میں جو ہے ہمارے قاسمی صاحب، ہمارے ایم اے خان صاحب، اور منچ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے فیروز بانو پاپا، ہمارے طارق بھائی، سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ بڑی سب اپنے وقت نکال کے برابر حاجیوں کی حاجیوں کو مبارک پانی دینے کے لیے میں اتنی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے آپ دعا کریں، ہندوستان میں امن و شانتی رہے، سب میں بھائی چارہ رہے، ہندوستان ترقی کی اور جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے سبھی جانے والے حاجیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں، صرف عبادت کریں، اپنے ارکان پوری طاقت و کثرت سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں
आप लोग सब लोग हमारे हुसैन दलवाई साहब, हज कमेटी के ऑल इंडिया चेयरमैन चौधरी साहब, आरिफ नसीम साहब, कृपा शंकर सिंह जी, इरफान अहमद जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं आज जो हज के लिए जाने वाले सभी हमारे भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं। तकरीर तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन नसीम भाई की तरह मैं राजनीति यहां करने वाला नहीं और इसके लिए आपके दिमाग में नहीं है, मुंह से निकल गया। अच्छा भाई जो आपने जो बात कही है उस बात को तो मैं भी सपोर्ट करता हूं।